मुनव्वर जब बिग बॉस जीत कर गए थे तो हम सब ने उनके विनिंग क्लिप्स देखे थे और विनिंग पिक्चर्स देखे थे। उसमें एक नाम था और एक तस्वीर थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी और वो शख्स आपको हर तस्वीर में दिखेगा, वो नाम है सना मकबूल का। और सना मकबूल मुनव्वर की बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। और आकर भी मुनव्वर ने जो है जिस तरीके से सना से बातचीत की या जिस तरीके से वो सना से मिले, ऑलरेडी ये चीज़ दिख भी रही थी। और उन्होंने सना को बोला भी कि बाहर की बात कुछ मत पूछना, मैं नहीं बता सकता। बट जिस तरीके से उन्होंने आकर सना और रणवीर का जो मुद्दा था वो उठाया, बहुत स्मार्ट मूव था वो, कि भाई बेसिकली सना भी अपनी बात बोल दें, उनको बोलने का मौका भी मिल जाए और मुनव्वर जो है वो उसी के आड़ में अपने दोस्त को भी टारगेट ना कर पाए। अगर देखा जाए तो रणवीर, अरमान, बाकी सभी लोगों से जिस तरीके से मुनव्वर ने बात की, उसके मुकाबले सना से उस तरीके से बात उन्होंने नहीं की। भले ही स्टैंड अप कॉमेडी में एक लाइन मारी हो कि बोलते हैं ना ताज आज तक उसको कभी नहीं मिला, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीती, ये वाली बात उन्होंने जो बोली है वो बोली है। बट जिस तरीके से रणवीर वाली बात उन्होंने सना मकबूल से निकाली और ये कहा कि जैसे आपने कहा है कि आप रणवीर की शक्ल बाहर भी नहीं देखना चाहेंगी, तो सना मकबूल ने उस समय पर भी कन्फ्रंट किया कि हाँ मैं नहीं देखना चाहूँगी। बट कल का एपिसोड देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई ऐसे लोगों से ज़िंदगी में मिलना सबसे बेकार है। क्योंकि एक कहावत आपने मैंने हम सब ने सुनी होगी कि भाई एक कामयाब औरत को देख के कमज़ोर मर्द डरता ज़रूर है, जो कि रणवीर के केस में बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और जो उनका डर है वो वाजिब है, उनके चेहरे पे भी दिख रहा है कि आप किसी के जिस जगह से बिलोंग करते हैं, नागपाड़ा पहुँच गए, आपने उनको गटर छाप भी बुला दिया और गटर का कीड़ा भी बुला दिया, तो पता चल रहा था कि रणवीर कितना ज़्यादा इनसिक्योर है सना को लेकर। या फिर हो सकता है कि सना के पास शायद कुछ ज़्यादा काम है रणवीर से, या बहुत सारे अजम्पशन हैं जो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। बट जिस तरीके का कल बिहेवियर था रणवीर का, खास करके जो मिडिल फिंगर दिखाने वाला इंसिडेंट था, वो एपिसोड से पूरा कट किया गया और पार्ट ही नहीं दिखाया गया, खाली ये बोलता हुआ दिखाया गया जब सना ने बोला कि आर यू शोइंग मी मिडिल फिंगर। तो ये सारे पार्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल, बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट मुनव्वर भी यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट मूव करके गए, उन्होंने सना के दिल की बात भी निकलवा दी बिना सना को टारगेट किए। तो फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।